माहरा खान की तो आपने माहरा खान के हवाले से भी कहा था कि आप उन्हें एक्ट्रेस नहीं समझते अम्मी लगती हैं वो और अपने एज से ज़्यादा जो करैक्टर्स हैं वो उन पर सूट नहीं करते जो भी वो करैक्टर्स करती हैं स्क्रीन पर तो इस हवाले से उनके फैंस बहुत नाराज़ हो गए थे तो आप क्या कहना चाहेंगे नहीं मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी माहिरा खान का ये मैंने नहीं कहा कि एक्ट्रेस नहीं है गुड एक्ट्रेस लेकिन अम्मा लगती है हीरोइन नहीं लगती मतलब देखें हिरोइन की एक एज होती है जी जिसको हम हीरोइन कहते हैं वो टीन एज मैक्सिमम अर्ली ट्वेंटीज में हो जी ठीक है ना तो अबव थर्टी या थर्टी फाइव जो है वो हीरोइन नहीं हो सकती मतलब हिरोइन से मुराद अगर आप ये ले लें एक चुलबुली सी नाजुक सी हैं जी दुबली पतली सी शरारती सी एक लड़की होती है छोटी बच्ची पंद्रह सोलह साल की सत्रह साल की मैक्सिमम बीस साल की ये लड़की होती है ठीक है उसके बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो औरत बनती चली जाती है तो औरत भी कोई बुरी चीज़ तो नहीं है क्योंकि उसी औरत ने आगे जा माँ बनना होता है उसी ने नानी दादी बनना होता है तो ये तो बड़ा है बड़े एजाज़ की बात है लड़की का आ, आ, औरत बनना और माँ बनना नानी दादी बनना ये तो बड़े एजाज़ की बात है तो अगर कोई आपको लगता है कि माहिरा खान को अब अम्मी के रोल्स करने चाहिए किसी नहीं, मैं तो एज की बात अकॉर्डिंग टू तो एज अकॉर्डिंग टू तो एज देखें ना आप यू कैन नाट डिसीव ऑडियंस देखने वाले को आप डिसीव नहीं कर सकते मसलन मैं अगर ये अभी प्रटेंड करना शुरू कर दूं कि जी मैं 20-25-30 साल का या 35 साल का जवान आदमी हूँ मैं लड़का भी नहीं कहता चलो नो बडी विल एक्सेप्ट दैट कि मेरा चेहरा जो है वो मेरा एज मेरी एज बता रहा है ना इसी तरह औरत और लड़की में फ़र्क होता है लड़की नज़र आती है कि ये लड़की है उसकी एज हो तो टीन्स में होती है तो लड़की होती है उसके बाद वो औरत बन जाती है औरत के बाद वो मां बनती है बीवी बनती है मां बनने के बाद वो फिर नानी दादी भी बन जाती है तो ये ये स्टेजेस होती हैं इसी तरह अगर कोई एक्ट्रेस है ठीक है जी अगर वो 40-45 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में ये कहना शुरू कर दे कि जब मैं हीरोइन हूँ ठीक है वो सब्जेक्ट की हीरोइन तो हो सकती है लेकिन वो टीन एज तो नहीं हो सकती लेकिन सर अब देखें ना लीडिंग रोल्स भी डिफरेंट हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं और अब तो एज को एज नंबर कंसीडर किया जाता है कि इट्स जस्ट अ नंबर यार वो आप कर रही हैं हॉलीवुड की बात कर रही हैं आप इवन इंडिया में देख लें आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी मतलब है चालीस साल की औरत है जो हीरोइन है या वो लड़की बन जाती है वो लड़कियाँ ही आती हैं वहाँ पर टीन एज ना हो ट्वेंटीज़ में होती है अर्ली ट्वेंटीज़ में होती है तो अगर हमारे यहाँ आकर अगर आप पैंतीस साल की औरत को या अड़तीस साल की या इवन तीस साल की औरत को आप हीरोइन बना दें टीन उसको शो करना शुरू कर दें तो वो तो स्क्रीन तो झूठ नहीं बोलती ना स्क्रीन पर तो सब नज़र आ जाता है अब मैं अपने आप को पच्चीस साल का या तीस साल का तो नहीं शो कर सकता मैं कहूँ मैं प्रटेंड कर लूँ नहीं होगा चूँकि मेरे फीचर्स मेरी एज आपको क्या लगता है कि सर अब जो ड्रामाज आ रहे हैं उनमें क्या है परफेक्ट आ रही हैं एज के हिसाब से हीरोइंस बनकर या उनके अलावा भी कोई ऐसी हैं जो कि आपको लगता है स्क्रीन को धोखा देने की कोशिश की जा रही है मैं अभी, है? अभी अभी तो मैंने मैं देखता नहीं हूँ ड्रामा मैंने बहुत कम एक आध कहीं देखा होगा कभी कभार देख लेता हूँ कौन सा अभी आपने अभी मैंने कोई रिसेंटली कोई देखा नहीं है लेकिन ये है कि Uh, मेरा अपना ये नज़रिया है कि खातिन को खास तौर पर लड़कियों को लड़की अगर है तो लड़की का रोल करे अगर वो ओल्ड कैरेक्टर करना चाहे गेटअप करके वो कर सकती लेकिन है लेकिन सर अब जो हीरोइंस आ रही हैं लेकिन अगर कोई थर्टीज में है तो वो टीन एज लड़की नहीं नहीं करना चाहिए उसको तो नहीं लगती ना मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है जी। तो टीन एज जो कैरेक्टर जो लड़की के वो टीन एज करे ट्वेंटीज में अर्ली ट्वेंटीज में जो हो वो भी कर सकती है अगर वो फिट है और वो लगती है देखे ना आप स्क्रीन को धोखा तो नहीं दे सकते ना ये कैमरा है सर आपकी नज़र में असल हीरोइन कौन है जो पाकिस्तान में वाकई एज हीरोइन काम भी करी रही ड्रामाज में आ रही है आप किस को मतलब उस लिस्ट में या उसको कैटेगरी में आपकी फॉल करती है या उसको टेन आउट ऑफ टेन आप देना चाहेंगे अभी लगता है बड़ा अरसा हो गया अभी टीवी नहीं देखा और टी से मोरा पहले पी टी नहीं देखा या जो अपने हमारे चैनल्स हैं वो मैंने नहीं देखे अरसा ही हो गया है क्योंकि मैं ज़्यादा वो यूट्यूब वग़ैरह इधर वो आमिर सजल अली सबूर मैंने नहीं देखा मैं अभी झूठ क्यों बोलूँगी यमुना बोलू। जैदी है आ, वो होंगी सुने नाम सुना है और एक आध ने शायद मेरे साथ काम भी किया हो यमुना जैदी आपने बताया इसने मेरे साथ शायद काम नहीं किया लेकिन नाम मैंने सुना हुआ है तो अगर उन्हें लोग हीरोइन एक्सेप्ट करते हैं टीन या अर्ली ट्वेंटीज़ में तो ठीक है फबे हाँ, और अगर वो लगती भी हैं चाहे वो चालीस साल की हो अगर वो टीन लगती है या अर्ली ट्वेंटीज़ में लगती है और एक्सेप्टेबल है तो शी शुड वर्क और अगर एक नहीं लगती मतलब उसकी अपेयरेंस नहीं है क्योंकि स्क्रीन जो है वो झूठ नहीं बोलती मेरी जो एज है मैं चाहे कितना भी मेकअप कर लूँ गेटअप कर लूँ मैं स्क्रीन पे नज जब आऊंगा लोग कहेंगे कि जी इसकी ये एज है इसी तरह लड़कियों की एज तो बड़ी जल्दी पकड़ी जाती है लड़की सब और मानते हैं कि लड़की, लड़की है, जहाँ और और औरत में फर्क है सर इनको आप कंसीडर करते हैं कि दे आर डूइंग राइट मुझे मैं मैं देखता ही नहीं ना मैंने आप आपने जो नाम लिए हैं मैंने सुने हुए हैं लेकिन मुझे अब मैं जोर देता हूँ तो उनकी शक्ल मेरे सामने नहीं आ पा रही क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ चलिए सर जब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तो ये बताइए कि आप पश्तून घराने से हैं जी लेकिन आप में पंजाबियों जैसी आकर है इसकी क्या वजह आकर तो पठानों वाली है अगर वो पंजाबियों से मैच करती है तो फबेहा तो फैमिली में कोई ऐसा था या आपकी नेचर डिफरेंट है या फादर स्ट्रिक्ट नहीं मेरे मेरे फादर, मेरे मेरे फादर मेरे मेरे आबाओजाद मेरे चचा मेरे मामू खा मेरे इकबाल मामू मेरे बड़े फेवरेट भी थे वो और बड़ा बड़े स्ट्रिक्ट थे वो उनकी आवाज़ आती थी आ लखा तूसी वा, वा, हो तो हम छोटे छोटे होते थे हम छुप जाते थे कोनों खुदरों में क्यों मामू आ गए इसी तरह हमारे वाले साहब इसी तरह मेरे चाचा जो हैं तो वो हम छुप जाया करते थे यानी इतना उनकी इतनी दहशत थी हम पे इतने यानी सख्त लोग थे लेकिन सख्ती से हमें को मारना शुरू कर देते थे वो प्यार भी बहुत करते थे लेकिन एक डिसिप्लिन था पश्तूनों का एक डिसिप्लिन होता है एक अदब होता है मसन हम अपने बुज़ुर्ग जो हमारे जिस चारपाई पर बैठे होते हैं ना हम उस चारपाई पर नहीं बैठते उनके साथ वो बदतमीज़ी समझते हैं मतलब है तो हम उनसे अलग ज़मीन पर बैठ जाते हैं दरी बिछी होती है या कालीन उस पर बैठ जाते हैं या पीछे कोई चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं तो उस पर हम बैठ जाते हैं इतना है। डिसिप्लेंड है आपकी फैमिली थ्रू आउट शुरू पश्तून ये ये कल्चर है।, है हमारा ये पश्तूनों का कल्चर है पठानों का लेकिन सर जब हमजा की बात करते हैं आपके साहबजादे की तो उन्होंने अपना एक रिसेंट इंटरव्यू दिया है एक वीडियो बयान दिया है वीडियो स्टेटमेंट दी है कि उनकी जो वालदा है आपकी जो मिसेज वो खुश नहीं थी आपके साथ कुछ उन्होंने पर्सनल मतलब गिले शिकवे किए हैं थ्रू वीडियो इस हवाले से आप क्या कहेंगे यार बात यह है कि एक लाख चौबीस हजार पैगंबर आए दुनिया में इंसानों को सही रास्ते पर लगाने के लिए कितने लोग सही रास्ते पर हैं कितने लोग हैं कितने कुफार अब्बी हैं कितने जालिम अब भी हैं कितने बेईमान लोग अब भी हैं कितने बदबخت लोग अब भी हैं तो मैं तो बड़ा सा बंदा हूँ मैं तो अल्लाह का बड़ा मैं तो मैं किसी को क्या ठीक कर सकता हूँ और किसी को अपने रास्ते पे कैसे चला सकता हूँ मुझ में ये ताब ये मजाल ये ताकत नहीं मुझे तो मैं अगर मतलब है कोई मेरे मुताबिक या मेरे जहन के मुताबिक या मेरे रहन सहन के मुताबिक जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं रहता या वैसा नहीं है तो मैं खुद अलग हो जाता हूँ बजाय इसके कि मैं उसको उस पर ज़बरदस्ती करूँ जबर करूँ और उसको अपने रास्ते पर लाने की कोशिश करूँ ये मुझसे नहीं होता मैं खुद रास्ता बदल बदलू सर आपने अपनी फैमिली को खुद डिसऑन किया या आपकी फैमिली ने आपको डिसऑन किया किसी ने किसी को डिसऑन नहीं किया ना मैंने उन्हें किया ना उन्होंने मुझे किया बस तो जुदा कैसे हो गए मैं बस चूंकि मेरी अपनी एक रूटीन है देखे ना एक मंदा है तो सर आप वो अप... सारी सारी रात जागता है तो अपने फैमिली को छोड़ दी इस वक्त जबकि फैमिली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है